बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्लाह और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक जो पैनल होता है, जो कि जनरेटर का होता है, कि जनरेटर लाइट जाने के बाद किस तरह से ऑटो स्टार्ट होता है और किस तरह से ऑटो ऑफ होता है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स जो है वो यूज होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ड्राइंग किस तरह से बनती है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो ये वीडियो जो है सिर्फ ड्राइंग के ऊपर है। आप पहले ड्राइंग बनाना सीख लें, उसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के थ्रू किस तरह से बनाया जाता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक के जरूर देखना है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना है। ज्यादातर लोग जो है मेरी वीडियो को तो जरूर देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 97% लोग इस तरह हैं कि वो वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है MF पैनल जो है, MF पैनल कहलाता है। MF का मतलब ये है कि ऑटो मैन फेलियर। जब ऑटो मैन फेलियर होता है तो इस पैनल का काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूं। इसके लिए जो है मुझे क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेंगी तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ये MF पैनल जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए और जनरेटर को ऑफ करने के लिए है। इसके अंदर मैं दो रिले और दो टाइमर यूज कर रहा हूँ। दो रिले जो है वो 220 की है और जो दो टाइमर है, एक टाइमर जो है वो 220 का है और एक टाइमर जो है वो डीसी टाइमर है। डीसी टाइमर जो है वो 12 वोल्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहां पर मैंने जो है वो के इलेक्ट्रिक का और जनरेटर का एक फ्यूज बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है दो रिले और दो टाइमर की बेस बना दी है, जो जिसके अंदर पॉइंट जो है वो वाज़े तौर पर मैंने बताए हैं कि इसके पॉइंट किस तरह से यूज होंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी एक रिले और एक टाइमर को अच्छी तरीके से डिफाइंड किया है। 8 पिन का मैं इस वजह से बताता हूँ कि इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। इस वजह से मैं इस 8 पिन को रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने R1 जो है वो के इलेक्ट्रिक के लिए लिए। अब मैं इसकी सप्लाई जो है वो के इलेक्ट्रिक से मिला दूंगा। यहां पर न्यूट्रल आ जाएगा और के का न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मैंने ये बनाया है ये न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ पर ये जनरेटर के न्यूट्रल आ जाएगा। सबसे पहले जो है आपने दोनों रिलो को सप्लाई दे देनी है उसकी क्वाइल के ऊपर। एक को जो है वो के इलेक्ट्रिक या वापडा से देनी है और दूसरे को जो है वो जनरेटर की सप्लाई से देनी है। तो दोस्तों अब जो डीसी टाइमर है, डीसी टाइमर की सप्लाई कहाँ से लगेगी वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ T2 की, टाइमर 2 की बात करता हूँ। टाइमर 2 को भी जो है इस रिले से आपने ऑन करना है, मतलब इसको जो है आपने आगे बढ़ा देना है और इसको यहां से न्यूट्रल दे देना है केई का, केई या वापडा। अगर आप कराची से हैं तो के इलेक्ट्रिक होता है और अगर कराची से बाहर के हैं तो वहां पर पूरा पंजाब साइड पर वापडा ही होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया है कि कुछ लोग को के इलेक्ट्रिक समझ में नहीं आता, तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर वापडा भी लिख दिया है। तो देखें यहाँ पर भी जो है इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब मेन मरहला आता है। मेन मरहले में ये करना है आपने कि जो टाइमर है ये है डीसी टाइमर। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डीसी टाइमर। डीसी टाइमर जो है ये 12 वोल्ट का है। तो दोस्तों मैंने जो है इन दोनों को सप्लाई दे दी और ये जो के इलेक्ट्रिक की रिले है उसी से सप्लाई मैंने इसको दे दी। अब मैं जो है इसके मेन पॉइंट लगाने लगा हूँ, जो कि T1 जो है वो हमारा डीसी टाइमर है। डीसी टाइमर को जो मैं सप्लाई दूंगा, यहाँ पर एक मैं फ्यूज बना देता हूँ जो कि डीसी 12 वोल्ट प्लस, ठीक है। आपने यहाँ से इसको इसकी रिले के ऊपर नॉर्मली
नॉर्मली क्लोज पॉइंट पर दे देना है, नॉर्मली क्लोज से देकर यहां से कॉमन से आप निकाल लेंगे, कॉमन से निकाल के इसकी कॉमन पे दे देंगे, इसकी कॉमन पे दे देंगे मतलब जो जनरेटर की रिले है इसकी कॉमन पे दे देंगे। अब जनरेटर की रिले की क्लोज से निकाल कर इसकी क्वाइल एक्टिव करा देंगे, टाइमर की क्वाइल एक्टिव कराएंगे और इसका जो माइनस का पॉइंट है, माइनस का पॉइंट आप यहां से इसको डायरेक्ट दे देंगे, माइनस आपने डायरेक्ट दे दिया। रिले से जो है इसका फेज उठा के देना है, मतलब जो प्लस का पॉइंट है इसका वो फेज के थ्रू इसकी नॉर्मली क्लोज से होता हुआ, इसकी कॉमन से होता हुआ, इसकी कॉमन से होता हुआ, इसकी नॉर्मली क्लोज से होता हुआ ये टाइमर लगेगा। ये टाइमर लगने के बाद आपने इसकी यहां पे एक वायर जो है वो शॉर्ट कर देनी है, मतलब जो इसकी क्वाइल पे वायर गया है वो इसकी कॉमन पे भी आ जाएगा, इसकी कॉमन पे निकल कर इसकी क्लोज पर आ जाएगा। इसकी कॉमन के देने के बाद यहां से इसकी क्लोज से एक वायर आप उठा लेंगे, एक वायर उठा लेंगे उसको जो है आप जनरेटर की जो मोटर होती है, सेल्फ की मोटर जो होती है उसके एक माइनस और प्लस का पॉइंट होता है, माइनस का पॉइंट वही ग्राउंड हुआ हुआ होता है और प्लस का पॉइंट जो है एक स्विच से होता हुआ बैटरी में लगा हुआ होता है, और जो स्विच का तार होता है ना वो तार आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल के अंदर अच्छी तरीके से बता दूंगा कि ये सेल्फ का वायर जो है वो इधर लगेगा। अच्छा जी, अब ये काम किस तरह से करेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि देखें जब रिले ऑन होगी, मतलब जो के इलेक्ट्रिक की रिले है वो ऑन होगी तो याला टाइमर हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका ओपन पॉइंट लगा हुआ होगा, क्लोज पॉइंट जो है वो नहीं लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से ये टाइमर हमारा ऑफ होगा। अगर इन केस के इलेक्ट्रिक या वापडा यहाँ से जाती है, यहाँ से अगर ये जाएगी तो फिर ये वाला पॉइंट मिलेगा, और ये वाला पॉइंट मिलने के बाद रिले टू की जो कि जनरेटर की रिले है, रिले टू की क्लोज से होता हुआ टाइमर जो है हमारा डीसी टाइमर जो है वो लग जाएगा। डीसी टाइमर जैसे ही ऑन होगा उसको यहाँ से इसकी क्लोज से सेल्फ ऑन होगा हमारा, जो जब इसका आप टाइमर 2 सेकेंड पर रखेंगे तो 2 सेकेंड तक हमारा जनरेटर का सेल्फ लगेगा। सेल्फ लगने के बाद जैसे ही टाइम पूरा करेगा तो ये सेल्फ ऑफ कर देगा। अगर इन केस हमारा सेल्फ या जनरेटर जो है वो 1 सेकेंड में ऑन हो जाता है, जैसे ही ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद जनरेटर की सप्लाई आएगी रिले टू के अंदर, रिले टू में जब सप्लाई आएगी तो ये डीसी टाइमर को यहाँ से ऑफ करा देगा। इसका मतलब ये है कि जब जनरेटर अगर स्टार्ट हो गया, 2 सेकेंड का हमने जो टाइमर का टाइम रखा था, अगर 2 सेकेंड की जगह हमने 1 सेकेंड के अंदर अगर जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया तो ये इस रिले के ऊपर जो इसकी सप्लाई है जनरेटर की, जो कि यहाँ से मैंने जनरेटर की सप्लाई ली है, ये जनरेटर की सप्लाई इसको ऑन कर देगी, ऑन करने के बाद टाइमर जो डीसी टाइमर है वो ऑफ हो जाएगा, तो आपका सेल्फ लगना बंद हो जाएगा। ये एक सेल्फ वाला मैंने बताया है आपको कि एक सेल्फ जो है वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेल्फ की जो वायरिंग डायग्राम है वो आपको समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल है। आपने के इलेक्ट्रिक के रिले से, जनरेटर के रिले से इसकी क्लोज से होते हुए एक टाइमर एक्टिव कराना है जो कि डीसी टाइमर है। डीसी टाइमर की क्लोज से आपका सेल्फ चलता रहेगा और जब सेल्फ ऑन हो जाएगा तो ये आपकी रिले ऑफ करा देगी इस टाइमर को। अगर इन केस आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होता तो यही वाला टाइमर अपना टाइम पूरा करके उसका सेल्फ जो है वो रोक देगा। इसके अंदर दोनों सेफ्टियां हैं कि आपका अगर इन केस दोबारा अगर लाइट आ गई तो ये आपका टाइमर दोबारा ऑफ कर देगा। अब बात करता हूं मैं जनरेटर ऑफ करने की। तो ये जो मैंने टाइमर की इस क्वाइल पर 2 वायर लगाए थे, ये के इलेक्ट्रिक के, ये इसी तरह लगे रहेंगे। आपने इसकी ओपन से 1 वायर उठाना है और इसकी कॉमन से 1 वायर उठाना है। ये 2 वायर जो है ये ड्राई कॉन्टेक्ट वाले वायर हैं जो कि हमने टाइमर की ओपन से लिए हैं। इसको आपने जनरेटर की क्वाइल से लगाना है जो कि 1 वायर क्वाइल से आ रहा होता है और दूसरा वायर बॉडी आउट होता है। इन दोनों वायर को अगर हम क्वाइल की वायर को बॉडी आउट करते हैं तो हमारा जनरेटर जो है वो
बंद हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे जनरेटर की, 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की ये सिचुएशन होती है। अगर मैं बड़े जनरेटर की बात करूँ तो बड़े जनरेटर में बिल्कुल अपोजिट होता है, मैं यहाँ से उसको टाइमर के वायर जो है वो चेंज करना पड़ेंगे। मैं आपको छोटे जनरेटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इन दोनों कॉइल की वायर को अर्थ से जब हम उसकी बॉडी अर्थ से लगाते हैं तो वो जनरेटर ऑफ हो जाता है। तो ये इसी तरह से काम करेगा जब ये टाइमर पूरा कंप्लीट टाइमिंग पूरी कर देगा लाइट आने के बाद। जब लाइट आएगी तो ये रिले की जो यहाँ से वायर आ रही है इसकी कॉइल की, ये टाइमर ऑन होगा। ऑन होने के बाद जब जितना आप इसके अंदर टाइम पूरा करेंगे रखेंगे, टाइम जितना रखेंगे उतने टाइम के बाद आपका जनरेटर ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वायरिंग डायग्राम जो है समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।